तपमाटे नान नान तपे मात्र सॉरी कहना। एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में बनाने के बावजूद इस फिल्म इंडस्ट्री को उतनी अहमियत नहीं मिलती थी जितनी बॉलीवुड, तमिल या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को मिलती है। फिर आई एक फिल्म जिसने एक अलग ही कहानी लिखी। 21 दिसंबर 2018 को लगभग 80 करोड़ के मेगा बजट में बनी केजीएफ चैप्टर वन, इस फिल्म ने आगे जाके कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का रुख ही बदल दिया। दरअसल ये एक तरह का जुआ ही था, क्योंकि जो इंडस्ट्री उसके आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, उसने भी 100 करोड़ के अंदर ही बिजनेस किया था, क्योंकि रीजनेबल फिल्म को ज़्यादा थिएटर भी नहीं मिलते। फिर भी इस फिल्म को 80 करोड़ के बजट के साथ बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाया। साल 2015 की शुरुआत में जब डायरेक्टर प्रशांत नील ने एक फिल्म की स्क्रिप्ट का काम पूरा किया, इस फिल्म का नाम था केजीएफ चैप्टर वन। ज़्यादा बजट, रियल लोकेशन और दमदार एक्टर्स, इन सब के कारण इस फिल्म की शूटिंग लगभग 2 साल बाद शुरू हुई। 15 जनवरी 2017 को फिल्म का आधा हिस्सा कोलार गोल्ड फील्ड्स में सेट बनाकर उसी ही रेल लोकेशन पर फिल्माया गया था और 17 अगस्त 2018 को पूरा हुआ। इस फिल्म के लिए भुवन गोड़ा ने सिनेमेटोग्राफी और श्रीकांत ने एडिटिंग के रूप में काम किया। साथ ही रवि बसरूर ने इस फिल्म में म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दिया। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में से एक है। 20 दिसंबर 2018 को उत्तर अमेरिका में प्रीमियर के बाद केजीएफ चैप्टर वन को कन्नड़ में और अगले दिन तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब किया गया। 4 भाषाओं में डब होने वाली यह पहली कन्नड़ा फिल्म थी। इस फिल्म का जादू कुछ ऐसा चला कि अपने रिलीज के पहले दिन से ही यह फिल्म नए नए रिकॉर्ड्स अपने नाम करने लगी। हालांकि क्रिटिक्स से इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही 25 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग कमाई थी। सिर्फ बेंगलोर में ही इस फिल्म ने पहले दिन 5 करोड़ का बिजनेस किया। यह पहली कन्नड़ा फिल्म थी जो 100 करोड़ क्लब, फिर 200 करोड़ और 250 करोड़ तक चली गई। शुरू से ही इस फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और अपने पूरे दौर में 250 करोड़ बिजनेस के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। इस फिल्म का क्रेज ही कुछ ऐसा था कि इसे पाकिस्तान में भी रिलीज किया गया। एक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म बनी जो कि पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रॉकी नाम का लीड रोल निभाने वाले यश हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के एक छोटे से गांव में पले बड़े हुए। उनका असली नाम नवीन कुमार गोड़ा है। उनके पिता कर्नाटक ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस ड्राइवर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। इस फिल्म के मेन विलन गरुड़ा, जिनका असली नाम है रामचंद्र राजू, जो कि पहले यश के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म ने बेस्ट एक्शन और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट के लिए 2 नेशनल अवार्ड भी जीते और 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ में इस फिल्म ने 5 नॉमिनेशन में से 2 अवार्ड जीते, जिसमें बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म के लीड एक्टर यश ने ही जीता। इस बात में कोई शक नहीं है कि केजीएफ चैप्टर वन ने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ फॉर इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।